एम्फीबियन एम्ब्रियोलॉजी द न्यूरोलेशन। फर्स्ट द कंटेंट्स, न्यूरोलेशन न्यूरल प्लेट फॉर्मेशन, न्यूरल फोल्ड्स न्यूरल ट्यूब ब्रेन एंड द ओवरऑल प्रोसेस ऑफ न्यूरोलेशन। फर्स्ट द डेफिनेशन ऑफ न्यूरोलेशन स्टूडेंट एक्चुअली न्यूरोलेशन इज़ द स्टेज ऑफ एम्बरेनिक डिवेलपमेंट इन एम्फीबियंस एम्फीबियंस के अलावा तमाम एनिमल्स के अंदर जब डेवलपमेंट स्टेज में से एक स्टेज है उसको हम न्यूरोलेशन का नाम देते हैं एक्चुअली इट इज़ दैट स्टेज ड्यूरिंग विच न्यूरल ट्यूब इज फॉर्म्ड न्यूरल ट्यूब में आगे जाकर जो नर्वस सिस्टम बनाना होता है तो हम सिंपल ये कह सकते हैं न्यूरोलेशन का प्रोसेस ड्यूरिंग विच न्यूरल ट्यूब इज फॉर्म्ड और न्यूरोलेशन की स्टेज जो राइट आफ्टर गैस्ट्रोलेशन आती है गैस्ट्रोलेशन के बाद न्यूरोलेशन की जो स्टेज आगे हाउ न्यूरोलेशन स्टार्ट्स न्यूरोलेशन का स्टार्ट है सबसे पहले जो एम्ब्रियो है अगर हम इसको देखें तो दैट इज़ इन द फॉर्म ऑफ जो है वो एक राउंड फॉर्म में या स्लाइटली जो है वो यानी कि एलेपट्रिकल फॉर्म में होगा तो एम्ब्रियो की डॉर्सल साइड के ऊपर एक ओवरऑल हमारे पास एक जो है वो पैच अपीयर होगा डॉर्सल साइड के ऊपर एक यानी एम्ब्रियो के ऊपर एक पैच अपीयर होगा और दिस पैच जो होगा ये आहिस्ता आहिस्ता एक प्लेट की फॉर्म में या एक स्ट्रेच की फार्म मटेन करता चला जाएगा उसके रीज़न ये है कि शुरू में जो एक पैच अपीयर होगा ओवल शेप में होगा माइक्रोफिलाेंट बाद में इसको स्ट्रेच करके एक यूँ समझे कि लाइन की फार्म में लगा देंगे या कि जो वो एक पैच की फार्म में उसको ले आएंगे और इस पैच को हम न्यूरल प्लेट का नाम देते हैं तो यूँ समझ लें कि अगर हमारे पास ये है तो इसके ऊपर बिल्कुल एक यूँ एक लाइन लग जो वो पैच एक बन गया है एक कुछ सेल्स की एक जो है वो आ, स्ट्रेच बन गया है उसको हम कह सकते हैं कि सेल्स का जो है वो तो अब न्यूरल प्लेट ने फर्दर जो है वो न्यूरल जो है वो न्यूरेशन की तरफ जाना है या न्यूरल ट्यूब जो है उसकी फॉर्मेशन करनी है तो सबसे पहले जो न्यूरल प्लेट है अगर मैं यूँ कह लूँ कि ये एम्ब्रियो के ऊपर इस तरह से एक न्यूरल प्लेट बन चुकी है तो अब सबसे पहला स्टेप हो ये होगा कि न्यूरल प्लेट की जो साइड्स हैं ये आहिस्ता आहिस्ता क्या करेंगी रेज होना शुरू हो जाएंगी तो न्यूरो प्लेट की जब साइड जब से सा रेज होंगी तो इसमें ये पोजीशन आ जाएगी इस तरह से होगी प्लेट आहिस्ता आहिस्ता सिंक डाउन करेगी और इसके एंड्स जो हैं वो आहिस्ता आ रेज होना शुरू हो जाएंगे न्यूरो प्लेट के एंड्स जो ऊपर की तरफ उठ रहे हैं दे आर कॉल्ड एज द न्यूरल फोल्ड्स उसको जो हम न्यूरल फोल्ड का नाम देंगे अगले स्टेज में जाकर ये न्यूरल फोल्ड्स आहिस्ता आहिस्ता बिल्कुल ऊपर से जाकर कंबाइन मिल जाएंगे जब ये मिल जाएंगे तो अब न्यूरल प्लेट एक न्यूरल ट्यूब की फॉर्म अटेन कर चुकी है दिस इज द न्यूरल ट्यूब यही न्यूरल ट्यूब है जिसने आगे जाकर पूरा नर्वस सिस्टम बनाना है अब न्यूरल ट्यूब ट्यूब का वो एंड जो आमतौर तो पर सबसे एंड के ऊपर क्लोज होगा बाद में बंद होता है दैट इज एक्चुअली द ब्रेन वो ब्रेन बनाएगा और न्यूरल ट्यूब के वो पोर्शन जो पहले बंद हो चुके हैं देआर द स्पाइनल कार्ड उससे स्पाइनल कार्ड जो है वो डिवेल्प होगा दिस तो अ सिंपल प्रोसेस कि न्यूरल प्लेट बनती है न्यूरल प्लेट फिर बाद में आहिस्ता आहिस्ता न्यूरल फोल्ड की वजह से जब वो सिंक करेगी न्यूरल फोल्ड कवर करेंगे ऊपर से न्यूरल ट्यूब बन जाएगी न्यूरल ट्यूब के कुछ पोर्शन जो है वो जो स्पेशल जो ब्लास्टोपोर की तरफ जो पोर्शन होते हैं वो पहले बंद हो जाते हैं और जो ब्लास्टोपोर से दूसरी तरफ वाला एंड होता है वो सबसे बाद में बंद होता है और जो बाद वाला बंद होने वाला पोर्शन था तो वो एक्चुअली ब्रेन बना देता है और जो पहले वाला पोर्शन है वो स्पाइनल कॉर्ड में डिवेलप हो जाएगा यहाँ डायग्रामेटिकली हम देख सकते हैं कि ये ब्लास्टोपोर है जो आते आस्ते बंद होने जा रहा है ब्लास्टोपोर की ऊपर आपका हमें शुरू में एक ओवल सी जो अपीयर होगा जहाँ आप डायग्राम में देख सकते हैं एक स्ट्रेच अपीयर हुआ है इस स्ट्रेच को आते आस्ते खैच कर जो पूरे एक प्लेट की फॉर्म दे देते हैं ये न्यूरल प्लेट है अब अगली स्टेज के ऊपर न्यूरल प्लेट के जो एंड्स हैं चूँकि ब्लास्टोपोनना ऐसा था डिसपियर हो जाना होता है न्यूरल प्लेट को एंड्स जो है ऐसा था ऊपर को उठेंगे और ये न्यूरल प्लेट नीचे की तरफ चली जाएगी जिसकी वजह से अल्टीमेटली ऊपर से इसको क्लोज कर देगी और एक न्यूरल जो है वो ट्यूब बना देगी ये न्यूरल फोल्ड्स ऊपर से इसको बंद कर देंगे अच्छा ये जो एंटीरियर एंड जिसकी मैंने बात की थी जहाँ ब्लास्टोपोरा है ये पहले क्लोज हो जाता है और ये जो दूसरा एंड होता है डिस्टल एंड जो होता है इसने बाद में क्लोज होना होता है ये जो बाद में एंड क्लोज होता है इसमें इससे जो न्यूरल ट्यूब का जो पोर्शन है विल फॉर्म द ब्रेन ये ब्रेन बना देगी और जैसे ही न्यूरोलेशन कंप्लीट होती है उसके बाद अल्टीमेटली जब वो टेडपोल लार्वा जहाँ वो बन जाता है